अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? अज तुहाडे वास्ते एक सरप्राइज है बड़ा अच्छा। सानू एक बंदे नाल बुलाने आ, उस तो पहले मेरे अंकल मेजर साहब मेजर तारक साहब इन्होंने सानू बुलाया खास मेहमान है मिलने वास्ते, ते आइयो तुहानू भी बुलाने। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਗੇ ਥੋੜੀ ਆ ਕੇ ਸੀ माड़ी बना ली ना पहुंच गई मेरी बुटी को तबाही मच जाए। असल अंदाज ना हर बंदे जिंदा न्यूटन का क्रू है ना वो हर जगह नहीं चलता है। इसे तरह जो औरत का बार भी चल रही उस ग्रेड पे है, जिस तू पैसा है वा जीनियस लोग मत बजन दी चंगे चंगे सियाने बंदियां दी मत बजन दी। अच्छा मैं गल देखी है कि इस काम च मुलव्वस होया बंदा ना, एक बंदा अल्लाह माफ करे एक बंदा नशे की लत मुलवस हो गया ना, उदा सारे असीं कहने यार इहदा इतबार नहीं करना किसी किसी ना। मैं कहना कि यार नशे ही दा इतबार कर लेना, आशक दा नहीं करना। सर एक हुण ना एक कह रहा हुंदा है कि मैं ना मैं ऐदां दा ऐदां होवां जां इस तों बाद तेरी शक्ल देखा, लेकिन सर 15 मिंट नहीं लगदे। सभी सब तो वड्डी गल है, देखो किड्डी वड्डी गल है कि अगले बंदे दा ना दोनों पार्टियां दे इधर का वकील ओदे अंदर बैठा हुंदा है ते उधर का वकील ओदे अंदर बैठा हुंदा है। मजबूरी कर अच्छा हुण इंतजार इस बैठा है लोग ना बाजारे घुसन की सीढ़ियां अज बैठे। एक दौर चो बंदा करोड़पति सी, करोड़पति की मजबूरी का यह लेवल है कि अज जिले ओदे पल्ले कुछ नहीं रहा, लेकिन उस खातून नाल उन्हें मुहब्बत है। लेकिन आज जो बैठ ना सीढ़ियां सिर्फ ए दलील लेके बैठा ना कि फिर ना जो कुछ कर रही है ना ये तो यार नहीं मजबूरी है, ये तो रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन बाबा जी
सर वो एक नवाब आदमी सिगा, वो एक जिम्मेदार आदमी सिगा, आज जो पौड़ियां च बैठा था लोग वो पुंजे बैठा था ओदे कोलों लंघ लंघ के अंदर जा रहे हैं, उन्हें पता है अंदर की हो रहा है, लेकिन ओदे बावजूद उन्हें अपने आप को तसल्ली दी। सच करने वास्ते जिन्हें रात नूं 11 बजे 12 बजे उन्हें अंदरों आवाज दी ना कि मैं की पता मर गया इन्नी गलती मर गया अगले छे महीने तो सौखे लगने इन्नी गल ची जिदा जॉन एलिया साहब कहते हैं उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि उम्र गुजार दी जाए, उम्र गुजार दी गई, उम्र गुजार दी गई। सर बहुत भैड़ा काम, बहुत भैड़ा काम, हिसाब किसी नहीं आना चाहिए। जरा बशारत सरदार है नाथ खान ओदा अब्बा जरा लाला सी ना ਉਹ ਲਾਲਾ ਕਿਤੇ ਝਾਲ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਝਾਲ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਰਿਆਜ਼ ਕੈਸਰ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਹਾਲ ਪਾਉਣ ਕੇ ਦੇਣ ਛੇ ਚੀਜ਼ੇ ਬਸ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਇੰਨਾ आइडिया ना उठो लिया। हां ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ ਵਾ ਵੀ ਕਵਰ ਤੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 9% ਨੇ ਨਾ ਉਹ 99% ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਟ੍ਰਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ऑडियंस लोग ना ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ 20% 19 ਸਾਲ ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ 25 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਤੱਕ 36% ਰਹੇ, 45 ਸਾਲ ਤੋਂ 54 ਸਾਲ ਤੱਕ 11% ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਿਸਨਰ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ 25 ਤੋਂ 37 ਮੈਚੁਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਚੁਰ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 11% 54 ਤੱਕ ਆ, ਫਿਰ 6-7% ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 65-70 ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਨ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਡੇਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ ਜ਼ਰੂਰ